आइए हम आज की प्रार्थना सभा को शुरू करने से पहले अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर जो अति महान और दयालु पिता परमेश्वर है, जो अपने सब डरवैयों पर प्रेम करता है, अनुग्रह करता है, हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है और हमारे लिए अपने दूतों को भेजकर हमारे मार्गों को तैयार करता है, ऐसे महान परमेश्वर का हम अभिनंदन करें, धन्यवाद करें। उसके सम्मुख दीनता और नम्रता के साथ आए और अपने परमेश्वर के सामने हम दीन हों। आइए हम परमेश्वर की इस प्रार्थना सभा को शुरू करने से पहले आइए हम एक भजन संहिता को पढ़ेंगे। जब मैं भजन संहिता 126 आपके सामने पढ़ूंगा, जब यहोवा सिय्योन से लौटाने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए, तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था कि यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों की नाई हमारे बंधुआओं को लौटा लिया। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु फिर पूलिया लेकर जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अपने लोगों के लिए छुटकारे के लिए उसने खुद दुख उठाया। वो स्वयं मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर आया और क्रूस की मौत उसने सही ताकि हमें उद्धार या नजात का अनुभव मिल सके। दुनिया में ऐसा कोई देवी देवता नहीं पैदा हुआ, कोई ऐसा गुरु नहीं हुआ, कोई ऐसा फिलोसोफर नहीं हुआ, कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं हुआ, कोई ऐसा लीडर नहीं हुआ जिसने अपने लोगों के लिए और उनके छुटकारे के लिए वो करा हो जो प्रभु यीशु मसीह ने करा, क्योंकि कोई वो करने की सामर्थ्य ही नहीं रखता। क्यों? क्योंकि एक निष्कलंक जीवन सिवाय परमेश्वर के और कोई नहीं बिता सकता। लिखा है, हम पाप में जीते हैं, पाप में हमारा जन्म होता है, हम पाप में जीते हैं और पाप में ही मर जाते हैं, और पाप की सजा मृत्यु है। तो अगर हमें इस मृत्यु के और पाप के छुटकारे से अगर किसी को बचाना है, तो वही व्यक्ति हमें छुटा सकता है जो स्वयं निष्पाप हो। और ऐसा एक ही व्यक्ति पूरी हिस्ट्री में पैदा हुआ जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आइए जब हम आज की प्रार्थना सभा को शुरू करते हैं, अपने आप को दीन करें, नम्र करें, परमेश्वर के सामने हम अपने आप को शुद्ध करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र पवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं और प्रभु हम आपके सामने अपने उन तमाम पापों को, उन तमाम बातों को जो सोचने विचारने के द्वारा, करने के द्वारा, या जो हमें करने थे हमने नहीं करे, प्यारे पिता परमेश्वर, हमने जो भी तेरी इच्छा के विरुद्ध प्रभु हमने करा, सुना, देखा, करा आए खुदावन, या सोचा भी आए खुदावन, उन सब पापों के लिए हम तुझसे क्षमा मांगते हैं प्रभु। तो हमारे बीच में आ, हमारी इस मंडली को पवित्र कर प्रभु। तेरे वचन कहता है कि तूने हमको अंधकार से छुड़ाकर ज्योति की संतान बनाया है। तूने हम लोग आने वाले दिनों में जानने पाए कि यीशु मसीह एक जीवित, केवल एक ही जीवित प्रभु है, वो है यीशु मसीह। यीशु ही सत्य जीवन और मार्ग है प्रभु। लोग इसको जानने और समझने पाए और अंधकार से परमेश्वर वो ज्योति की ओर आने पाए, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु। हालेलुया, आमीन। हमारे मुस्लिम भाइयों के बीच में प्रभु यीशु प्रेम और भाईचारा बढ़ने पाए, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु। हालेलुया, वो ऐसे लोगों से मिले परमेश्वर, ऐसे मसीह लोगों से मिले जो यीशु का सुगंध उनके जीवन में डाल सके प्रभु यीशु, ऐसा हम प्रार्थना करते प्रभु जी। एक बहुत बड़ी बेदारी परमेश्वर मुस्लिम राष्ट्रों के अंदर आने पाए, ऐसा हम प्रार्थना करते प्रभु जी।
जितने भी सेवक परमेश्वर इन राष्ट्रों में काम करते हैं प्रभु जी, उनको तेरे हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु यीशु, बड़े ही सामर्थ के साथ, बड़े ही जोश के साथ, जुनून के साथ प्रभु जी, हिम्मत के साथ, हियाव के साथ प्रभु जी, तेरी सेवा वहां पर वो करने पाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। जितने भी आतंकवाद के संगठन है प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनकी योजनाएं कुछ भी सफल ना होने पाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, आमीन। जैसे जैसे वो योजनाएं बनाते हैं प्रभु यीशु, वैसे वैसे उनकी योजनाएं टूटने और खत्म होने पाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनका मन फिरने पाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कठोर मन परमेश्वर हालेलुया उनका बदलने पाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनको मनुष्य के प्रति, अन्य जातियों के प्रति परमेश्वर प्रेम और आदर और सम्मान और भाईचारा उनके अंदर आने पाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, खून के बदले खून नहीं बल्कि प्रेम आने पाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया, क्षमा अंदर आने पाए लोगों के, हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया, दया आने पाए लोगों के अंदर में, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु जी। तेरा परमेश्वर वचन, तेरी ज्योति परमेश्वर लोगों के जीवन के अंदर ठहरने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु। हालेलुया, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करते, इज़राइल के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु, मिडल ईस्ट के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। जितने भी राष्ट्र है प्रभु यीशु, नाम ले लेके परमेश्वर तेरे हाथ में हम सौंपते प्रभु जी। हालेलुया, ये पूरा परमेश्वर संसार तेरा है प्रभु जी। हालेलुया, तेरा अधिकार है प्रभु जी इस पूरे संसार में प्रभु जी। हालेलुया, वचन सिखाता है कि प्रभु जी एक दिन परमेश्वर हर एक घुटना तेरे सामने टिकेगा और ये कहेगा तू ही एक प्रभु है प्रभु। हालेलुया, वो दिन परमेश्वर जानते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया, अंत के दिनों में परमेश्वर अधिक से अधिक लोग परमेश्वर को जानने पाए प्रभु यीशु, ऐसा हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया, हर एक दिन परमेश्वर, हर एक क्षण परमेश्वर, हालेलुया तो लोगों को आत्मिक बातों में बड़ा, ऐसा हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया, हमारे अंदर से परमेश्वर विश्वास कम ना होने पाए, ऐसा प्रार्थना करते प्रभु जी, और मजबूत में बनने पाए, ऐसा प्रार्थना करते प्रभु यीशु। हालेलुया, पाकिस्तान के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, और भी अन्य परमेश्वर हालेलुया राष्ट्रों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी यीशु। तेरी दृष्टि परमेश्वर उन परमेश्वर देशों में रहने पाए, ऐसा प्रार्थना करते प्रभु जी। तेरे हाथों को तू बढ़ा कर प्रभु जी, और तेरे लोगों को तू छुड़ा ले, ऐसा प्रार्थना करते प्रभु यीशु। हालेलुया, स्वर्ग के पिता ने हमारे प्रार्थना सुना, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में परमेश्वर इन राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर तू हमें हमारी सहायता और मदद करे, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। Not in the line yet. I just spoke to him. I don't know if he has trouble getting in the line. I will try again. Yeah. Okay. So we'll check him back after the song. Okay. So इससे पहले कि मैं सिस्टर रेनी को आमंत्रित करूं, आइए हम लोग प्रार्थना में एक बार और जाएंगे, और इसको खास तौर से हम बुद्धिस्ट कंट्रीज के लिए विनती करें। हम प्रार्थना करेंगे चाइना के लिए, हम प्रार्थना करें तिब्बत के लिए, हम प्रार्थना करें लाओस के लिए, कंबोडिया के लिए, ये कंट्रीज जिनके बारे में कोई नहीं जानता, बर्मा के लिए हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें इंडोनेशिया के लिए, और फार ईस्ट के जो जितने भी नेशंस हैं उनमें रिवाइवल के लिए प्रार्थना करें, हम फिलीपींस में रिवाइवल के लिए प्रार्थना करें, और खास तौर से मंगोलिया को ना भूलें, जापान को ना भूलें। जापान जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री है, लेकिन वचन के लिए उतना ही वो कठोर दिल है। हम प्रार्थना करेंगे जहां जहां बुद्धिस्ट लोग हैं, और जितने भी ये फार ईस्ट के कंट्रीज हैं, परमेश्वर का एक बहुत बड़ा सुसमाचार का रिवाइवल का प्रोग्राम वहां हो, और बाहर और ये कंट्रीज भी परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ने पाए। जब चाइना के बारे में हमें इतनी अद्भुत बातें सुनने को मिलती हैं कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला चर्च चाइना के अंदर है, और चाइना के अंदर जो विश्वासियों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन उसी तरह बढ़ती जा रही है जिस प्रकार प्रथम शताब्दी के अंदर प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जिस तरह से चर्च की ग्रोथ हुई थी। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें कि हमें मालूम है कि जहां जहां चर्च का सता हुआ है वहां वहां चर्च बढ़ा है, लेकिन हम हमारा कर्तव्य है कि हम देशों को नाम लेकर बुलाएं, और परमेश्वर के सामने हम उनके रखें, उनके लिए विनती करें, उनके लिए गिड़गिड़ाएं, ताकि परमेश्वर का आत्मा वहां काम करे, परमेश्वर अपने सेवकों को इन देशों में भेज सके। बहुत सारे देश ऐसे हैं फार ईस्ट में जिनका हम भूल जाते हैं और हम उनके नाम को भी नहीं जान पाते, लेकिन मैं विनती करूंगा कोई भी भाई या बहन इस वक्त जिनको भी प्रार्थना में अगुवाई हो, फार ईस्ट के कंट्रीज के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए तूने हमें दिया, और प्रभु हम प्रार्थना में एक दिल एकजुट हो सकते हैं, इसलिए तेरा शुक्र करते हैं प्रभु।
जैसे हम भाई ने बताया प्रभु, विनती की हम फारिस्ट के देशों को तेरे सामने लाते हैं, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, म्यांमार, मंगोलिया, दूसरे उसके आसपास के जो देश हैं, अंडमान निकोबार, जापान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वियतनाम, यस मैम, ये सारे मुल्क हम एकजुट होकर तेरे सामने रखते हैं, और प्रभु प्रार्थना यस करते मैम, हैं तहे दिल से कि जैसे चाइना में काम हो रहा है, ऐसे ही इस मुल्कों में, नॉर्थ कोरिया में काम हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। एमेन एमेन, जो काम प्रभु साउथ कोरिया में और चाइना में हुआ है, वही काम नॉर्थ कोरिया में और जापान में हो, लाओस में हो, कंबोडिया में हो, यस माय लॉर्ड, वियतनाम में हो, और फिलीपींस में हो, एमेन एशिया में हो, एमेन, इंडोनेशिया में, यस और माय लॉर्ड, आसपास के छोटी छोटी जगहों पे हो, सिंगापुर में हो, मनीला, सिंगापुर यस माय, में हो, और मंगोलिया में हो, यस माय लॉर्ड, म्यांमार में हो, अंडमान निकोबार में हो, फिजी के टापू यस में माय हो, लॉर्ड, ऐसी प्रार्थना करते हैं। क्योंकि प्रभु हर यस जगह माय लॉर्ड, पे लोग विनाश की तरफ भाग रहे हैं, बुद्धिस्ट देशों में, यस, तिब्बत में हो, तिब्बत में और यस, लद्दाख में और जगह हो, थाईलैंड में प्रभु तेरा काम हो, जहां भ्रष्टता यस मैम, और शैतानी बातें और काम चल रहे हैं। दुआ करते हैं प्रभु तेरा जलाल वहां दिखे, लोगों के दिल में यस, तेरा खौफ आए, पछतावा आए, रिपेंडेंस आए, ये और ये सारे मुल्कों में, बुद्धिस्ट देशों में, हिंदू देशों में, मुस्लिम देशों में तेरा काम हो, तेरा जलाल हो, तेरे महिमा हो, और लोग बच जाएं, तेरे पास आए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु इन दिनों में हम सुन रहे हैं यस, कि चारों तरफ, खास करके एशिया में, सारे ही देशों में, अफ्रीका के देशों में, तेरे दासों का खून बह रहा है प्रभु। हम दुआ करते हैं मैम, वो खून फेल ना जाए, वो निष्फल ना जाए, वो यस फल मैम, पाए, और वो जो खून में जो वचन और सीड बोया गया है, वो बहुत तेरे फल लाए, और वो सताने वाले साउल में से पाउल बने, पौलुस बन जाए, ऐसी हम यस प्रार्थना माय करते हैं। लॉर्ड, प्रभु तहे दिल से इस प्रेयर ग्रुप के लिए तेरा शुक्रिया करते हुए, तेरा धन्यवाद करते हुए, तुझे ऊंचा उठाते हुए, तेरे नाम की महिमा करते हुए, हम तहे दिल से आए हैं प्रभु, विनम्र दिल से आए हैं, और प्रार्थना करते हैं कि इन सारे मुल्कों में तेरा जलाल बढ़े, तेरा काम बढ़े, और तेरे नाम पे लोग विश्वास करें, तेरे पास आए। खास तौर से हम भारत और पाकिस्तान के लिए मांगते हैं, वहां पे लोगों की आंखें यस माय खुली, लॉर्ड, और प्रभु तेरे पास वो लोग आए, वहां पूरा अंधेरा छाया हुआ है प्रभु, पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, पूरा अंधकार छाया हुआ है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु, तेरा जलाल दिखे, लोगों को तेरे पवित्र वचन की बातें समझ में आए, ऐसी ऊपर से तो ताकत आने दे, और ऊपर से रिवाइवल भेज, ऐसी हम पूरे तहे दिल से प्रार्थना, विनती करते हैं, याचना करते हैं प्रभु, तुझे यस देश माय में, लॉर्ड, वहां भारत में, पाकिस्तान और उसके आसपास के सब कॉन्टिनेंट में, तू रिवाइवल की आत्मा, स्पिरिट, रिवाइवल ऑफ स्पिरिट भेज, ओ प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते यस, हैं। इस सारा बोझ जो प्रेयर ग्रुप के हमारे सदस्यों में है, हम एकजुट होकर तेरे कदमों में वो बोझ डालते हैं, ओ प्रभु, प्रार्थना हमारी सुन, और हमें ज्यादा प्रेयर के लिए तैयार कर, हमारे घुटनों को झुका, और हमें ऐसी शक्ति दे कि हम तेरे चरण में घुटनों पर ज्यादा टाइम तेरे सामने स्पेंड करें, और प्रभु हमें वो जज्बा दे, वो आंसू दे, हम तेरे सामने गिड़गिड़ाएं और ज्यादा प्रेयर करें, और प्रभु तुझे पसंद है ऐसी प्रेयर करने का ज्ञान मुझे दे, हमें सबको दे, तो जो प्रेयर तुझे एक्सेप्टेड है, ये सारी बातों को हम तेरे कदमों में रखते हैं, ईसा मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आमीन, थैंक यू पास्टर, थैंक यू सो मच फॉर अगेन लीडिंग अस इन द प्रेयर, एक अनॉइंटेड प्रेयर के लिए। परमेश्वर आपको बहुत अधिक आशीष दे और आपकी मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ाए, और थोड़ी देर में हम आपसे
वचन भी सुनेंगे। इसलिए अब मैं सिस्टर रेनिजा जॉर्ज को आमंत्रित करता हूँ। सिस्टर रेनिजा, आप हैं लाइन पे? तो आपके लिए समय है कि आप सुंदर गाने के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करें। और एक बार फिर मैं पास्टर शेखर भाई चौहान का धन्यवाद करता हूं इस प्रेयर लाइन में आने के लिए। और इस गाने के बाद पास्टर प्लीज आप वचन को शेयर करिए। सिस्टर रेनिचा प्लीज। थैंक यू। प्रभु के हम और भी गहराई में समझ सके। मैं यहाँ गहरे प्यार से तूने प्यार किया वो गाने को गाने वाली हूँ। गहरे प्यार से तूने प्यार किया माँ से गहरा है प्यार तेरा। माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया माँ से गहरा है प्यार तेरा। माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा कोई नहीं। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा एक नूर के समान चलूंगा। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सुंदर गाने के लिए परमेश्वर आपको अधिक से अधिक आशीष दे। और इस सुंदर और मधुर आवाज को आप और इस मधुर आवाज को परमेश्वर इस्तेमाल करे बहुत अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए और अपने वचन को उन तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। इसके साथ साथ मैं पास्टर शेखर भाई चौहान को मैं आमंत्रित करता हूँ। पास्टर बड़ा मुझे खुशी है कि आज आप फिर हमारे साथ लाइन पर हैं। आपने इससे पहले भी हमारे साथ वचन को बांटा है और हर बार हमने उससे आशीष पाई है। उम्मीद है आज भी परमेश्वर आपके द्वारा हम सब से बातें करेगा और हम उसके द्वारा आशीष पाएंगे। थैंक यू ब्रदर। पास्टर धन्यवाद आपका मेरे जैसे दास को बुलाने के लिए। प्रभु का धन्यवाद और आप ग्रुप का धन्यवाद कि हम सब वचन से आशीष पाते हैं। और लास्ट टाइम भी फल लाने की बात मैंने की थी, फल ज्यादा आने चाहिए। एंड आज फिर से एक बार प्रभु ने ये मौका दिया है तो ये मैं उसके योग्य और लायक तो नहीं हूँ, लेकिन प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे। आए छोटी सी दुआ करते हैं।
प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए कि तूने वचन सुनने का, ग्रहण करने का मौका हमें दिया। सबसे अधिक तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये वचन हमारी आंखों के सामने, हमारे हाथों में, हमारे घरों में भरपूरी में है। हम जब चाहे उसको खोल के पढ़ सकते हैं। इस ब्लेसिंग के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस पाक वचन को प्रभु आज तू अपनी आशीष दे और अधिकता से भर, तेरी तेरी रूह से भर, और प्रभु हमें समझने के कान दे, सुनने वाले समझने वाले कान और ग्रहण करने वाला दिल हृदय दे, ताकि हम इस पे चल सके। प्रभु इस ग्रुप को आशीषित कर और मुझे तेरी पनाह मिले, तेरे क्रूस के पीछे छुपा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। प्रभु का वचन पढ़ेंगे। मैं अगर आपके पास बाइबल है तो पहला फर्स्ट थेसलोनियंस निकालेंगे, पांचवा अध्याय, उसका पांचवा पद। First Thessalonians 5 and first few verses, अगर आप कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। ओके। अब हे भाइयों, पर हे भाइयों, पढ़े प्लीज। अब बहन पढ़ो। अब हे भाइयों, इस बात की आवश्यकता नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हें कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम स्वयं अच्छी तरह जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि सब कुशल है और कुछ भी भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती स्त्री पर प्रसव पीड़ा आती है, वे किसी प्रकार नहीं बचेंगे। But you are not in darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief. For you are all children of light, children of the day. We are not of the night or of the darkness. So let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober. For those who sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. But since we belong to the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation. For God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, so that whether we are awake or asleep, we might live with him. Therefore, encourage one another and build one another up, just as we are doing right now through this prayer group. जैसा कि अभी हम इस प्रार्थना ग्रुप के जरिए कर रहे हैं, एक दूसरे को उत्तेजित और सम्मानित और वचन में बढ़ावा दे रहे हैं। तो और दूसरा मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई पढ़े तो बहुत अच्छा होगा। तिमोथी का पहला पत्र, पहला तिमोथी चौथा बाब, चैप्टर फोर, पहले वचन से पांच, पांच तक पढ़े। आत्मा स्पष्ट कहता है कि आने वाले समयों में अनेक लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे और वे विश्वास में भटक जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते लोहे से दागा गया हो। वे विवाह करने को रोकेंगे, भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। परमेश्वर ने सब वस्तुओं को इसलिए सृजा है कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है, कोई भी वस्तु अस्वीकार करने योग्य नहीं। हर एक वस्तु धन्यवाद के साथ खाई जाए, परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा वो शुद्ध हो जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। और आगे मैं थोड़ा दो पढ़ूंगा कि वो कहता है कि इफ यू पुट दिस थिंग्स बिफोर द ब्रदर्स, यू विल बी अ गुड सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट जीसस, बीइंग ट्रेन्ड इन द वर्ड ऑफ
the faith and of the good doctrine that you have followed. Have nothing to do with irreverent, silly myths. Have nothing to do with myths. Rather, train yourself for godliness. Train yourself for godliness. तो दो जगह पे हमने जो पढ़ा है, थेसलोनिका में और तिमोथी में, हर जगह दोनों ही पोर्शन में पौलुस अंत के दिनों की बात करता है, हमारे समय की बात करता है कि इन दिनों में गलत मैसेज देने वाले लोग आएंगे और हर जगह अमन और शांति और कुशलता है, ऐसी बातें करेंगे, लेकिन सडन डिस्ट्रक्शन, अचानक आपत्ति लोगों पे आ जाएगी। ये हालांकि बहुत दुख की बात है जो हुआ, लेकिन थोड़े ही समय पहले, एक हफ्ते पहले नेपाल में अचानक आपत्ति आ गई, है कि नहीं? अचानक एकाएक सडन डिस्ट्रक्शन। हम उस उन लोगों से, हमारी प्रार्थना है, सिंपति है, और प्रभु उनको बचाए और प्रभु उनको अपनी पनाह मिले, कृपा दे। लेकिन ये Amen. एक एग्जाम्पल है कि सडन डिस्ट्रक्शन का आना वो बहुत ही पॉसिबल है और उसको कोई रोक नहीं सकता, ना ही प्रेडिक्ट कर सकता है। लेकिन प्रभु का वचन हमारे जैसे छोटे 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 जितने भी ग्रुप पूरे दुनिया में फैले हुए, उनसे प्रभु का वचन कहता है कि हमें इस बात का भय नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट इन डार्कनेस ब्रदर्स, दैट ए डे शुड सरप्राइज यू लाइक अ थीफ, बिकॉज यू आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ लाइट, चिल्ड्रन ऑफ डे, वी आर नॉट ऑफ द नाइट और ऑफ द डार्कनेस। तो ये प्रभु का वचन दोनों तरफा बात करता है कि जगत में अंधेरा है, नई नई बातें, मतलब गलत गलत बातें सिखाई जा रही है, खाने पे परहेज बोला जा रहा है कई जगहों पे, कई जुटों में, कई ग्रुपों में शादी से मना करना बोला जा रहा है। गुजरात से जहां से मैं आता हूं, वहां एक संप्रदाय है स्वामीनारायण करके, स्वामीनारायण करके ना, बी बस वो लोग बोलते हैं, बस BAPS ऐसा कुछ, वो उनके उनकी सेमिनरी में और उनके रिलीजियस प्रोग्राम में जो साधु बनने जाते हैं, उनको शादी से परहेज बोला जा रहा है और कई तरह के खानों पे परहेज बोला जा रहा है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पौलुस पहले कोरिन्थी में बहुत ही स्पष्ट और पूरा जोर लगा के कहता है कि मैं अपने आप को अगर आग के हवाले भी कर दूं, लेकिन अगर मुझ में मसीह का प्यार नहीं है तो वो आग में मरना भी मेरे लिए बेकार है। तो ये जो दुनिया की जो फिलोसॉफियां और दुनिया की जो टीचिंग है, वो इतना साफ दिखाई देता है कि हमारे शरीर तक सीमित है। उनकी सारी शिक्षा जो है, उनकी सारी जो टीचिंग है, या उनके सारे जो मिडिल ईस्ट में मार्काट है, ये सिर्फ हमारे जिस्म, हमारे शरीर तक सीमित है। हमारी रूह जो है, हमारी आत्मा जो है, जो अनंत काल तक या तो स्वर्ग में प्रभु के पास या फिर प्रभु के बगैर नरक में शैतान के साथ जलेगी, उसके लिए ये दुनिया की फिलोसॉफियों के पास कोई जवाब नहीं है।
उनके पास सारे ही जितने भी टीचिंग है, सारे जितने हथकंडे हैं, सारे जितने डिसिप्लिन है, जितने भी सेल्फ कंट्रोल है, वो शरीर से जुड़े हुए हैं। ये कितनी, मतलब जिन लोग की प्रभु के पवित्र आत्मा से आंखें खुल गई है, उनके लिए ये कितनी मतलब हंसी देने वाली बात है कि अगर आप शरीर को जला भी दो क्या फर्क पड़ता है। शरीर से, शरीर को आग में डाल देने से, खाना नहीं खाने से, उसके ऊपर जुल्म करने से या दूसरे किसी शरीर को मार डालने से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति मिलती है मसीह को ग्रहण करने से, अपने आत्मा में मसीह को बिठाने से, बुलाने से। प्रभु खुद हमारी आत्मा को अपने बलिदान के जरिए एक नई मुक्ति देता है। ये हम ईसाइयों को या फिर दुनिया में से जितने लोग प्रभु के पास आए हैं उनको यह ज्ञान हुआ है, उनको यह मुक्ति मिली है। हम अंधेरे के नहीं है। कितनी खुशी की बात है कि हम डरपोक नहीं है, अंधेरे के नहीं है। हमें किसी भी जगह पे, जैसे कहते हैं कि ग्रोपिंग अराउंड द वॉल्स, सर टकराने की या अपना सर पटकने की जरूरत नहीं है। ना हमें पेट पे रेंगते हुए कहीं जाने की जरूरत है, ना नंगे पांव धूप में किसी पहाड़ को चढ़ने की जरूरत है ना प्यारे भाइयों बहनों। किसी तरह के ये काम, ये हथकंडे करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा जो पेन जो है, सारी शिक्षा जो है, वो मसीह यीशु ने शरीर में आकर इंसान बनकर, पूरा प्रभु और पूरा इंसान, 100% मैन 100% गॉड, उस स्वरूप में पूरी शिक्षा अपने आप पर ले ली है। बिहोल्ड द लैम ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें कितने, हम भाग्यशाली है, कितने प्रिविलेज है, कितने खुश, कितने फ्री और हैप्पी है कि हमें ये कोई भी चीजें करने की जरूरत नहीं है। यहां तिमोथी में लिखा है कि भूतों का उपदेश, मतलब स्पिरिचुअल वॉरफेयर का हम हिस्सा है। अंत के समयों में ऐसे इंसान आएंगे जो गलत आत्माओं पर और भूतों के उपदेश पर ध्यान देंगे। तो ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर कितना डीप हो चुका है कि दुनिया की फिलोसॉफियों को, जैसे परमेश्वर हमारा प्रभु के वचन के लिए और पवित्र आत्मा के निवास के लिए जैसे हमारा इस्तेमाल करता है, उसी तरह से सामने के कैंप में लोगों का इस्तेमाल शैतान करता है। और भूतों के उपदेश और आत्माओं, कई बदरूहों का उपदेश, ये सब सुना जाएगा। और दुनिया में आज ऐसा चल रहा है। और इसीलिए हमारा, जैसे आपने भाई ने पहले प्रार्थना में बोला कि हम इन इन जगहों के लिए प्रेयर करें, तो पूरे जहान के लिए और खास करके मिडिल ईस्ट और एशिया के लिए हमारा प्रेयर का बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि वहां और यूरोप में और आप भूतों के संदेश पर, अलग अलग बदरूहों की मैसेजेस पर ध्यान दिया जा रहा है। लोगों को न्यू एज में इंटरेस्ट है, लोगों को न्यू और मॉडर्न और नए एथेइज्म में इंटरेस्ट है। कितना प्रभु का धन्यवाद और कितने हम प्रिविलेज है कि हम बच गए हैं, हम उस अंधेरे और उस कीचड़ और उस दलदल के सदस्य नहीं रहे हैं। प्रभु परमेश्वर ने हमें मुक्ति देके अपना हाथ बढ़ा के उस कीचड़ से, उस दलदल से खींच के निकाल लिया है और अपने बेटे के प्रकाश के राज्य में रख दिया है। और अब हम प्रकाश में चलते हैं, और जो लोग लाइट में, प्रकाश में चलते हैं, उनका डरने का खतरा कम है, उनका गिर जाने का और स्टंबल होने का खतरा बहुत ही कम है, क्योंकि वो उजियाले में, प्रकाश में चल रहे हैं। तो हमारी मसीह भाइयों बहनों की ये बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा प्रिविलेज है, और इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ऐसा फ्रीडम है कि हम अंधेरे के बजाय पूरे प्रकाश में, पवित्र प्रकाश में, मसीह के राज्य में चलते हैं। और जब ये चल रहे हैं, जब हम उजियाला देख रहे हैं, तो हमारा फर्ज, प्रेयर का बोझ और बढ़ जाता है कि जो अंधेरे में बैठे हैं, जो
बड़ी बड़ी सलाखों के पीछे है, उनको हम ये संदेश, ये प्यार की बातें, ये गॉस्पल, ये उनसे प्रेयर के जरिए और प्रेयरफुली और बोझ से हम ये पूरे तह दिल से ये संदेश उनको दे कि भाई बाहर आ जाओ, बच जाओ, वरना लेक ऑफ फायर में कोई खुशी नहीं है, वहां कोई मजा नहीं है, और परमेश्वर के बगैर जिंदगी हो ही नहीं सकती, परमेश्वर के सिवा जीवन हो ही नहीं सकता। तो ये हमें बोझ से प्रेयर करनी है और लोगों को बताना है, और एक तरफ हमें निरंतर बिना रुके प्रभु की स्तुति और आराधना करके उसका उसका धन्यवाद प्रकट करना है कि हम बच गए हैं। पौलुस तिमोथी में और थिसलुनिका में और अर्ज और कई जगहों पे यही बात बताता है कि पिछले दिनों में, अंत के दिनों में घुमाने वाले, फुलाने वाले और डिसीव करने वाले लोग आएंगे, लेकिन तुम तैयार रहना, सजाग रहना, तत्पर रहना, क्योंकि तुम तो बच गए हो, तुम्हें नया कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम तो बच गए हो। ये भाई और बहन, मेरे भाई और बहनों, ये सबसे बड़ी मुझे, मेरे दिल में खुशी उमड़ रही है, उछल रही है कि मैं बच गया हूं, मैं आजाद हूं, मैं अंधेरे का राज छोड़ के प्रकाश के राज में, पवित्रता में, प्रभु के साथ साथ उसकी उंगली पकड़ के चल रहा हूं। लेकिन उसी वक्त मुझे ये भी एहसास होता है कि जब ये खजाना, जब ये इतना बड़ा जैकपॉट मुझे मिल चुका है, तो जो सलाखों के पीछे, जो अंधेरों के पीछे, जो दलदल में फंसे हैं, उनको मैं क्यों ना निकालूं, उनको मैं क्यों ना बोलूं प्रभु की बातें। तो जगह जगह जाकर, हर जगह, मार्केट में, गैस स्टेशन पे, कॉस्को में, जहां जो जहां मेरी मिनिस्ट्री है, कलिशा में, पड़ोस में, हर जगह ये मेरा फर्ज बनता है, और मैं वचन बोता हूं, बोता हूं, मेरा काम अब बोना है, किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह से, किसी भी बातों को घुमा फिरा के भी मेरी बात का एंड इसी पे आता है कि मैं वचन बोता हूं, बोना है मुझे। और यही आपको करना है, सब भाई बहनों को करना है, जितने बच गए हैं, जितने अंधेरे में से उजियाले में आ गए हैं, हमारा काम है प्रेयरफुली बोना, और हम ये कंटिन्यू करेंगे, और जितना बोएंगे उतना मेरे लास्ट शेयरिंग के हिसाब से फल आएंगे, है ना, फल आएंगे। आर यू विथ मी? प्रेज द लॉर्ड। आप लोग मेरे साथ हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस ये बातें सबसे पहले मुझे मुझे लागू होती है, सबसे पहले मुझ पे असर करती है, और मैं प्रीचिंग नहीं करता हूँ, मैं शेयरिंग करता हूँ कि प्रभु का वचन हम में और डीप जाए, और हम जो बच गए हैं, जो खुशी से भरे हुए हैं, जियाले में हैं, वो अंधेरे वालों को बताएं और उनको कहे कि आप लोग आ जाओ, प्लीज मसीह के नाम में बच जाओ, निकल जाओ, क्योंकि यूहन्ना 10:10 के हिसाब से वो दुष्ट शैतान चोरी करने, मार डालने और विनाश करने के सिवा किसी और मकसद से नहीं आता, टू स्टील एंड टू किल एंड देन अल्टीमेटली टू डिस्ट्रॉय इन हेलफायर। कितना भी वो उलट पुलट बोले, उसका मकसद विनाश है, उसके साथ लेक ऑफ फायर में जाना है। तो हम लोगों को बताएं कि प्लीज भैया, भाई बहन, बच जाओ, बच जाओ, और जो एवेन्यू हमारे पास हो, ट्रैक्ट हो, इंटरनेट हो, पर्सनली हो, जो भी एक्सेस हमारे पास प्रभु ने दिया है, उसके जरिए, रेडियो हो, पैम्फलेट हो, लेटर लिख के, फोन करके, फेसबुक पे, जो भी एवेन्यूज हमारे पास अवेलेबल है, और आजकल तो दुनिया छोटी हो गई, हम इन सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का और ये सारे मीडियम का इस्तेमाल करके प्रभु प्रभु की शक्ति से लोगों को बताए कि प्लीज बच जाइए, वक्त कम है, बच जाइए, वक्त कम है। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड एंड ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू गॉड। ये मेरा सौभाग्य है, मैं और ज्यादा हम्बल फील करता हूँ कि प्रभु उसका वचन शेयर करने के लिए मुझ जैसे निकम्मे का इस्तेमाल करता है। प्रभु का महिमा हो, उसका धन्यवाद हो, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर, ये आपका बड़प्पन है और प्रभु में आपकी महानता है कि आप अपने आप को इस तरह से कहते हैं, लेकिन आपके वचन से हम लोग को आशा
और प्रेरणा मिलती है इसके लिए। मैं अगेन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और ये सच बात है, आप जब बता रहे थे तो मेरा माइंड चारों तरफ घूम रहा था और मैं यही सोच रहा था कि आजकल कितनी विभिन्न किस्म की शिक्षाएं इवन क्रिश्चियंस के बीच में पाई जाती हैं जो वचन से प्रेरित नहीं है। और जी हाँ, और मैं कई बार लोगों को सुनता हूँ, उनके क्वेश्चंस को सुनता हूँ, उनकी बातों को सुनता हूँ और लगता है कि वे सब इसीलिए भटक रहे हैं, इसीलिए उनके अंदर बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए जो ये गलत शिक्षाओं की जो प्रेरणा है उनके अंदर इसलिए है क्योंकि वे वचन से दूर है। और जैसा हमने अभी आपने जो दिन दोनों पैसेजेस को पढ़ा, क्योंकि हम अंधियारे की संतान नहीं है, हम ज्योति की संतान है और ज्योति में चलते हैं और वचन अगर हमारे हृदय में है तो फिर हमें कोई नहीं भटका सकता। मैं मानता हूं अगर हम बॉर्न अगेन बिलीवर हैं, वचन पे चलते हैं और वचन के ऊपर मनन करते हैं, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र करके जो बातें हमारी समझ में भी नहीं आती है परमेश्वर को पढ़ा, परमेश्वर अपने समय पे हमें समझाता चलता है। और जहाँ ये एक जैसे अभी पास्टर ने बताया कि इस इलेक्ट्रॉनिक टाइम में दुनिया छोटी हो गई है, हम किसी तक भी पहुंच सकते हैं, उसी के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस इलेक्ट्रॉनिक टाइम में आज वचन को सीखने के जितने साधन आज हमारे पास हैं उतने मैं नहीं सोचता कि आज से 50 साल पहले कभी मौजूद थे। आज आप किसी भी वर्ड्स को इंटरनेट पे देख सकते हैं, उसका ओरिजिनल मीनिंग देख सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट देख सकते हैं, इंसाइक्लोपीडिया डाउनलोड कर सकते हैं, क्या चीज नहीं है आज हमारे पास। और 6 से 10 इसलिए डिफरेंट वर्जन्स में उसको बराबर परख सकते हैं, 6 से 10 डिफरेंट वर्जन्स में एक ही आयत को, एक ही कलम को, एक ही पद को हम पढ़ सकते हैं। आज ही मेरे एक दोस्त को एक वचन दिया, वो बहुत ही बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर है, आज उसकी बर्थडे थी और बर्थडे है, तो आज मैंने उसको बोला कि प्रभु का वचन तेरे लिए है भैया साम, तेरे लिए है साम 34:5, उसकी तरफ देख उजियाला पा और तू कभी नहीं सरमाएगा। साम वचन संहिता 34:5 उसको दिया मैंने और फिर मैंने उसको धीरे से लिखा दूसरे टेक्स्ट में कि इसी पद को, इसी वचन को तू 6 डिफरेंट वर्जन और ट्रांसलेशन में पढ़ लेना, ताकि क्या होगा कि उसकी प्यूरी ब्यूटी तेरे सामने आएगी, तो उसी बहाने उसको पढ़ने का भी और दिल होगा। तो यू आर राइट ब्रदर, कि हमारे पास इतने सारे, हाँ जी बोलिए प्लीज। नहीं नहीं प्लीज कंटिन्यू प्लीज। नहीं तो हमारे पास आजकल ऐसे ऐसे गैजेट्स और सारी बातें अवेलेबल है जो 40 साल पहले लोगों के पास नहीं थी। दुनिया छोटी भी हो गई और पद को हम मतलब पद को पूरा उसका उसका डाइसेक्शन कर सकते हैं जी, पद को लेबोरेटरी में रख के उसका पूरा काट पीट के उसको घुट के पी सकते हैं जी। ऐसे ऐसे समय में प्रभु ने हमको रखा है जी, तो जितनी ज्यादा सहूलियत है उतनी बड़ी जिम्मेवारी भी है, उतना बड़ा आंसर भी मांगेगा जी जी। मुझे ही मैं अपने सब भाइयों बहनों को उत्साह करना चाहता हूँ कि आज की तारीख में आप एक छोटे से छोटा सॉफ्टवेयर भी $5-10 का जो किसी भी बिब्लिकल स्टोर से मिल सकता है उसको डाउनलोड कीजिए, एक कंकॉर्डेंस रखिए, एक स्टडी बाइबल रखिए और बस वचन को पढ़ते जाइए, प्रार्थना कीजिए, वचन को पढ़िए, रेफरेंस देखिए, परमेश्वर का आत्मा आपको अपने आप लीड करेगा। और मैं समझता हूँ परमेश्वर का वचन से बढ़िया शिक्षक कोई नहीं है, परमेश्वर के आत्मा से बढ़ शिक्षक कोई नहीं है। इसलिए आज की तारीख में हर एक विषयों के पीछे, दुनिया की हर एक शिक्षाओं के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, उसको वचन में देखें और वचन की शक्ति में, वचन की ज्योति के अंदर उसको तौलें और तभी उसके पीछे चलें, क्योंकि जैसा लिखा है कि अंतिम समय में भटकाने वाले बहुत होंगे, सही शिक्षा देने वाले कम होंगे। इसलिए हमें जागते रहना है, सावधान रहना है और वचन को अपने मन में रखना है। आमीन, आमीन, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। मुझे कहीं जाना पड़ रहा है और मैं जाता हूँ, मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, तो मैं मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरे लिए प्लीज आपके ग्रुप में प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे पवित्र बनाए, ज्यादा हम्बल बनाए और उसके भय, उसकी उसकी शिक्षा उसके कदमों के नीचे रखे
और खास तौर से मेरी विनती हमारी बेटी के लिए, सोनम के लिए, कि उसे एक अच्छा प्रभु को जानने वाला पति मिले। बहुत ओके रिक्वेस्ट है मेरे तहे दिल से। सोनम उसका नाम है, SONM, एम लाइक मैरी, सोनम। तो सोनू के लिए प्रेयर करना कि उसको अच्छी साइंस लाइन में प्रभु की मर्जी के मुताबिक जॉब मिले और उसको दिल की एक शांति मिले, क्योंकि वो थोड़ी सी डिप्रेस और निराश हो गई है, क्योंकि 29 साल हो चुके हैं, अब 30 की होगी, ना नौकरी अच्छी मिल रही है ना पति मिल रहा है। तो प्रेयर प्लीज करिए, लेकिन प्रभु, मैं जानता हूँ कि प्रभु के पास जवाब है, आमीन आमीन, प्रभु के पास उत्तर है, तो आप प्लीज, लेकिन वो बंदों की सुनता है। जी बिल्कुल, वो बंदों की सुनता है कि वो जहाँ 1, 2, 3, 4, 5 मिलकर मांगेंगे एक दिल एकजुट होकर, तो मैं करूंगा। तो प्लीज उसको, सोनू को रखिए, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल, हम लोग उसके लिए प्रिविलेज और इस मौके के लिए मैं तहे दिल से पूरे ग्रुप का धन्यवाद करता हूँ, और फिर कभी जरूर मिलेंगे और इस तरह शेयरिंग होगी, और मैं प्रीच ना भी करूँ तो हम लोग प्रेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, आमीन आमीन आमीन, क्योंकि इट्स अ प्रिविलेज, इट्स एन ऑनर टू बी विद सेंट्स, अदर सेंट्स। हाँ, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, थैंक यू पास्टर, मैं निकलूँ, गॉड ब्लेस यू, ओके, हाँ, प्लीज प्रे फॉर माय डॉटर, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। जैसा अभी पास्टर ने हमको वचन में बताया और उन्होंने हमारे सामने प्रेयर रिक्वेस्ट रखी, मैं गुजारिश करूंगा पास्टर जैन, अगर आप लाइन पर हैं, क्या लाइन पर हैं आप पास्टर जैन? अगर पास्टर जैन आप लाइन पर नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब हमारी किसी भी बहन से, क्योंकि ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। सिस्टर लीजिए आप। थैंक यू डॉक्टर अजय फॉर ब्लेसिंग अस एंड लीडिंग द प्रेयर लाइन, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस सिस्टर माधुरी एंड द चिल्ड्रन बॉबी एंड रॉबी, हालेलुया, गॉड यूज यू फॉर द मिनिस्ट्री कमिंग डेज मोर एंड मोर, हालेलुया। परमेश्वर सबको धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के नाम से सबको धन्यवाद देती हूँ, हालेलुया। सिस्टर रेनिजा थैंक यू फॉर द ब्लेस्ड सॉन्ग, परमेश्वर आने वाले दिनों में भी आपको गाना गाने के लिए इस्तेमाल करे, एंड थैंक यू डॉक्टर शेखर, बाय द गुड लॉर्ड ब्लेस अस ऑल। आप इस वेबसाइट को, इसका यूट्यूब को अपने फ्रेंड्स से शेयर करें ताकि वो भी इस वचन को सुने, और जैसे आज ने पास्टर ने जो बर्थडे गिफ्ट बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि एक वर्स बर्थडे गिफ्ट में दिया और उनके 7 वर्जन में उसका रेफरेंस पढ़ने के लिए भी बोला। व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्थडे गिफ्ट वी कैन गिव टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो ऐसे छोटे छोटे कार्य को करके परमेश्वर के नाम की महिमा, जो जो मुस्लिम भाई जो परमेश्वर को जानना, मेरा विश्वास, मेरा ये समझ में आया कि उनको भी ऐसे एक एक वर्स ईमेल के द्वारा भेज के दिया, एंड फाइनली गॉड द होली स्पिरिट वर्कड ऑन हिम एंड यू नो ही गॉट बैप्टाइज्ड, हालेलुया। सो मे द गुड लॉर्ड यूज अस ऑल फॉर हिज किंगडम, हैव अ ब्लेस्ड नाइट, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट सिस्टर। स्तुति करो भूवासियों, यहोवा की स्तुति करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख आओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख आओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है, वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है। यहोवा की स्तुति करो भूवासियों, यहोवा की
स्तुति करो। सदा हो कैसा भला है तुझे उसकी।